नमस्कार। उज्ज्वल पाटनी द्वारा लिखित एक पुस्तक है सफल वक्ता सफल व्यक्ति। इसका अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं माइक का डर, मंच का भय। जब भी हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो कितने स्वाभाविक होते हैं, परंतु जैसे ही हम माइक या मंच पर जाते हैं तो हमें घबराहट होती है। हम बचना चाहते हैं ऐसे अवसरों से जब हमें समूह को संबोधित करना होता है। शुरुआती भाषणों में कभी सभी को ऐसा ही कुछ होता है, तेज हृदय गति, कांपते घुटने, कांपती आवाज़, पेट में गुड़गुड़ाहट, आँखों के आगे धुंधलापन, हाथों में पसीना, मुँह सूखना, शब्दों की कमी, दिमाग का काम न करना, विचार थम जाना, हकलाना, चेहरे पर डर के भाव। यदि आप पहली बार बोलने जा रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप भी एक सामान्य इंसान हैं। मुझे आज तक कोई असाधारण मानव नहीं मिला जिसे पहली बार माइक पर जाते हुए थोड़ा असामान्य अनुभव न हुआ हो, लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कभी माइक के सामने कांपते थे, मीटिंग में अपनी बात कहने से घबराते थे, मंच पर एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे और आज गजब के वक्ता हैं। आइए आपके मन का भय दूर करने के लिए भाषण कला, बातचीत, ग्रुप डिस्कशन और एंकरिंग पर उदाहरणों के साथ विस्तार से बात करें, जिससे आपके मन का भय हमेशा के लिए दूर हो जाए और आप सुनने के लिए सुनने वालों का दिल जीत सकें। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला हमारा टॉपिक रहेगा वक्ता के सात गुण।